के कॉर नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो द लास्ट ब्लड मूवी के बारे में काफ़ी लोग हैं जो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हैं अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के बारे में जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी इस मूवी की हम आपको कहानी बताने वाले हैं कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा साथ ही में बात करेंगे रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में एंड साथ में इसकी टीम के बारे में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी की अर्निंग के बारे में बताने वाले हैं कि कितना अर्निंग मतलब कि कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड साथ ही में आपको बताएंगे कि यह मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो एक बार इस वीडियो को लाइक लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि किन किनों ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को डायरेक्ट किया है एद्रियन ग्रुमवर्ग ने एंड स्क्रीन पे की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन पे लिखा है मैथ्यू किरूक्लिक ने एंड सालवेस्टर स्टैलॉन ने एंड इसके स्टोरी की बात की जाए तो इस मूवी की स्टोरी लिखी है डैन गॉर्डन ने एंड साइलवेस्टर स्टैलॉन ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को प्रोड्यूस किया है अवी लर्नर ने कैबिन किंग टेम्पलेटन ने जारिब लर्नर ने लेस बेल्डन ने अब बात कर लेते कि कौन से एक्टर आपको रेम्बो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में सैलबेस्टर रो स्टैलॉन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पैस बैगा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सर्गियो पेरिस मानचेस्टा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे एड्रियाना बाराजा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जुबैटे मोनरियल देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जेनी किम अक्का जैना हॉन् हाँ देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जॉक्यू केस्यू एंड ऑस्कर जैनेडा देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है ब्रैंडन ग्लाबिन गार्डविन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है टॉड ई मिलर ने एंड कारस्टेन कुरपानेक ने म्यूज़िक की बात की जाए तो लास्ट ब्लड मूवी का म्यूज़िक किया है ब्रॉन ब्रायन टाइलर ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात तो uh, Grow, की जाए तो लास्ट ब्लड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं बालबुआ प्रोडक्शंस डैडी फिल्म मिलीनियम मीडिया टेम्पले टेम्पलेटन मीडिया कैंपवेल ग्रो ग्रोमैन फिल्म्स एंड इसके डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है लॉयस गेट ने एंड इसके रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी रिलीज़ हुआ था बीस 20 सितंबर 2019 में एंड इसके लैंग्वेज की बात की जाए तो यह मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है जो कि ओरिजिनल लैंग्वेज है लेकिन इस मूवी का आपको हिंदी डब भी देखने को मिल जाता है अब बात कर लेते हैं इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में एंड बजट के बारे में कि कितने रुपए में इसको बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी ने किया था सबसे पहले बजट की बात तो तो की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी का बजट पचास मिलियन डॉलर का है एंड इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन इक्यानवे पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का है तो बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में आपको पता चल गया बजट के बारे में आपको पता चल गया साथ ही में आपको रैंबो लास्ट ब्लड मूवी की टीम के बारे में पता चल गया कि किन्होंने इस मूवी को बनाया है अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है वियतनाम युद्ध वियतनाम युद्ध के बियोव जॉन वियोयुद्ध जॉन रैम्बो रेजोना में एक खेत पर घोड़ों को उठाकर शांति की कुछ झलक पाने की कोशिश करते हैं उसने मारिया नाम की एक महिला और उसकी किशोर पोती ग्रेबिएला के साथ एक विशेष पारिवारिक बंधन भी विकसित किया है लेकिन जब एक शातिर मैक्सिकन कॉन्टेल ग्रेबिएला का उपहरण होता है तो रैम्बो उसे बचाने और ज़िम्मेदार लोगों को डंडित करने के लिए एक खूनी और व्यांक्रीगत खोज पर सीमा पार करता है तो इसमें आपको ऐसी कुछ स्टोरी जो आपको इस रैंबो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाती है अगर आपको रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचती रहें जैसा कि आपको पता है कि रैम्बो जो रैमबो मूवीज की पूरी सीरीज़ है जिनमें लीडिंग रोल में आपको सेल्वेस्टर स्टैलॉन एक्टर देखने को मिल जाते हैं तो रैमबो मूवी की रैम्बो मूवी की इस सीरीज़ की ही है, एक पार्ट है इसकी पूरी सीरीज़ देख सकते हो आप बहुत अच्छा आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगा बहुत ही अच्छी एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस इस मूवी को बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट भी किया गया है और इसका अंदाज़ा आप इसके बॉक्स बॉक्सॉप कलेक्शन से लगा सकते हो कि कितने लोग जो इसको पसंद करते हैं रैमबो की मूवीज़ को पसंद करते हैं जो आज भी इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैमबो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाए लेकिन अभी तक इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया लेकिन अगर आप लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है बड़ी ही आसानी से आप किसी भी लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आप लास्ट ब्लड मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो so, आज की इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में आपको अच्छा लगा हो जानकर तो एक बार इसको लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचती रहें और आपको पता चल गया कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको इसकी स्टोरी अच्छी लगी हो एंड साइल साइल स्टाइल ऑन आपके फेवरेट एक्टर हों तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के 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 साथ है तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद मातरम तो मूवी रिव्यू वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो द लास्ट ब्लड मूवी के बारे में काफी लोग हैं जो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हैं अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के बारे में जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी इस मूवी की हम आपको कहानी बताने वाले हैं कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा साथ ही में बात करेंगे रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में एंड साथ में इसकी टीम के बारे में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी की अर्निंग के बारे में बताने वाले हैं कि कितना अर्निंग मतलब कि कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड साथ ही में आपको बताएंगे कि यह मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो एक बार इस वीडियो को लाइक लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं रैमबो लास्ट ब्लड मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि किन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट बलट मूवी को डायरेक्ट किया है एद्रियन ग्रूमवर्ग ने एंड स्क्रीन पे की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन पे लिखा है मैथ्यू किरुकनिक ने एंड साइल बेस्टर ने एंड इसके स्टोरी की बात की जाए तो इस मूवी की स्टोरी लिखी है डैन गॉर्डन ने एंड साइल स्टैलॉन ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को प्रोड्यूस किया है अभी लर्नर ने कैबिन किंग टेम्पलेटन ने जारिब लर्नर ने लेस बेल्डन ने अब बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में सैलबेस्टर स्टैलॉन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पैस बैगा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सर्गियो पेरिस मानचेस्टा देखने को मिल जाती हैं, उसके आगे एड्रियाना बाराजा देखने को मिल जाती है उसके आगे जुबैटे मोनरियल देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जेनी किम अक्का जैना हॉम हाँ देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जॉक्यू केसियो एंड ऑस्कर जैनेडा देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है ब्रैंडन ग्लाबिन गार्डिन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है टॉड ई मिलर ने एंड कारस्टेन कुरपानेक ने म्यूज़िक की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी का म्यूज़िक किया है ब्रॉन ब्रायन टाइलर ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं बालबोआ प्रोडक्शंस डैडी फिल्म मिलीनियम मीडिया टेम्पले टेम्पलेटन मीडिया कैंपवेल ग्रो ग्रोमैन फिल्म्स एंड इसके डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है लॉयस गेट ने एंड इसके रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी रिलीज़ हुआ था 20 सितंबर 2019 में एंड इसके लैंग्वेज की बात की जाए तो यह मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है जो कि ओरिजिनल लैंग्वेज है लेकिन इस मूवी का आपको हिंदी डब भी देखने को मिल जाता है अब बात कर लेते हैं इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में एंड बजट के बारे में कि कितने रुपए में इसको बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी ने किया था सबसे पहले बजट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी का बजट पचास मिलियन डॉलर का है एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इक्नवे पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का है तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आपको पता चल गया बजट के बारे में आपको पता चल गया साथ ही में आपको रैंबो लास्ट ब्लड मूवी की टीम के बारे में पता चल गया कि किन्होंने इस मूवी को बनाया है अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है वियतनाम युद्ध वियतनाम युद्ध के बियोबुद जॉन व्यवयुद्ध जॉन रैम्बो रेवजोना में एक खेत पर घोड़ों को उठाकर शांति की कुछ झलक पाने की कोशिश करते हैं उसने मारिया नाम की एक महिला और उसकी किशोर पोती ग्रैबिएला के साथ एक विशेष पारिवारिक बंधन भी विकसित किया है लेकिन जब एक शातिर मैक्सिकन कॉन्टेल ग्रैबिएला का उपहरण होता है तो रैम्बो उसे बचाने और जिम्मेदार लोगों को दंडित करने के लिए एक खूनी और व्यांक्रीगत खोज पर सीमा पार करता है तो इसमें आपको ऐसी कुछ स्टोरी जो आपको इस रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाती है अगर आपको रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचती रहें जैसा कि आपको पता है कि रैम्बो जो रैम्बो मूवीज़ की पूरी सीरीज़ है जिनमें लीडिंग रोल में आपको सेल्वेस्ट स्टेलॉन एक्टर देखने को मिल जाते हैं तो रैम्बो मूवी की रैम्बो मूवी की इस सीरीज की ही एक पार्ट है इसकी पूरी सीरीज देख सकते हो आप बहुत अच्छा आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगा बहुत ही अच्छी एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस, इस मूवी को बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट भी किया गया है और इसका अंदाज़ आप इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से लगा सकते हो कि कितने लोग जो इसको पसंद करते हैं रैमबो की मूवीज़ को पसंद करते हैं जो आज भी इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाए लेकिन अभी तक इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया लेकिन अगर आप लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है बड़ी ही आसानी से आप किसी भी लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आप लास्ट ब्लड मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो so, आज की इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो रैम्बो लास्ट ब्लट मूवी की स्टोरी के बारे में आपको अच्छा लगा हो जानकर तो एक बार इसको लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें और आपको पता चल गया कि यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको इसकी स्टोरी अच्छी लगी हो एंड साइल साइल बैस्टर स्टाइल आपके फेवरेट एक्टर हों तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो मिलता है किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो द लास्ट ब्लड मूवी के बारे में काफ़ी लोग हैं जो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हैं अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के बारे में जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी इस मूवी की हम आपको कहानी बताने वाले हैं कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा साथ ही में बात करेंगे रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में एंड साथ में इसकी टीम के बारे में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी की अर्निंग के बारे में बताने वाले हैं कि कितना अर्निंग मतलब कि कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड साथ ही में आपको बताएंगे कि यह मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो एक बार इस वीडियो को लाइक लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि किन किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को डायरेक्ट किया है एद्रियन ग्रूमवर्ग ने एंड स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मैथ्यू किरुक्लिक ने एंड सैल्वेस्टर स्टैलॉन ने एंड इसके स्टोरी की बात की जाए तो इस मूवी की स्टोरी लिखी है डैन गॉर्डन ने एंड साइलवेस्टर स्टेलॉन ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को प्रोड्यूस किया है अवी लर्नर ने कैबिन किंग टेम्पलेटन ने जारिब लर्नर ने लेस बेल्डन ने अब बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रेम्बो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में सैलबेस्टर स्टैलॉन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पैस बैगा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सर्गियो पेरिस मानचेस्टा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे एड्रियाना बाराजा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जुबैटे मोनरियल देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जेनी किम अक्का जैना हॉन् हाँ देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जॉक्यो केस्यो एंड ऑस्कर जैनेडा देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है ब्रैंडन ग्लाबिन गार्लविन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है टॉड ई मिलर ने एंड कार्स्टिन कुरुपानेग ने म्यूज़िक की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी का म्यूज़िक किया है ब्रॉन ब्रायन टाइलर ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात तो uh, Grow, की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं बालबोआ प्रोडक्शंस डैडी फिल्म मिलीनियम मीडिया टेम्पले टेम्पलेटन मीडिया कैंपवेल ग्रो ग्रोमैन फिल्म्स एंड इसके डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है लॉयंस गेट ने एंड इसके रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी रिलीज़ हुआ था 20 सितंबर 2019 में एंड इसके लैंग्वेज की बात की जाए तो यह मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है जो कि ओरिजिनल लैंग्वेज है लेकिन इस मूवी का आपको हिंदी डब भी देखने को मिल जाता है अब बात कर लेते हैं इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में एंड बजट के बारे में कि कितने रुपए में इसको बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी ने किया था सबसे पहले बजट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी का बजट पचास मिलियन डॉलर का है एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इक्यानवे पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का है तो बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में आपको पता चल गया बजट के बारे में आपको पता चल गया साथ ही में आपको रैंबो लास्ट ब्लड मूवी की टीम के बारे में पता चल गया कि किन्होंने इस मूवी को बनाया है अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है वियतनाम युद्ध वियतनाम युद्ध के बियोव जॉन व्योयुद्ध जॉन रैम्बो रेजोना में एक खेत पर घोड़ों को उठाकर शांति की कुछ झलक पाने की कोशिश करते हैं उसने मारिया नाम की एक महिला और उसकी किशोर पोती ग्रेबिएला के साथ एक विशेष पारिवारिक बंधन भी विकसित किया है लेकिन जब एक शातिर मैक्सिकन कॉन्टेल ग्रेबिएला का उपहरण होता है तो रैम्बो उसे बचाने और ज़िम्मेदार लोगों को दंडित करने के लिए एक खूनी और व्यांक्रीगत खोज पर सीमा पार करता है तो इसमें आपको ऐसी कुछ स्टोरी जो आपको इस रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाती है अगर आपको रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचती रहें जैसा कि आपको पता है कि रैम्बो जो रैमबो मूवीज़ की पूरी सीरीज़ है जिनमें लीडिंग रोल में आपको सेल्वेस्टर स्टैलॉन एक्टर देखने को मिल जाते हैं तो रैम्बो मूवी की रैम्बो मूवी की इस सीरीज़ की ही एक पार्ट है इसकी पूरी सीरीज़ देख सकते हो आप बहुत अच्छा आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगा बहुत ही अच्छी एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस इस मूवी को बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट भी किया गया है और इसका अंदाज़ा आप इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से लगा सकते हो कि कितने लोग जो इसको पसंद करते हैं रैमबो की मूवीज़ को पसंद करते हैं जो आज भी इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैमबो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाए लेकिन अभी तक इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया लेकिन अगर आप लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है बड़ी ही आसानी से आप किसी भी लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आप लास्ट ब्लड मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो so, आज की इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में आपको अच्छा लगा हो जानकर तो एक बार इसको लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचती रहें और आपको पता चल गया कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको इसकी स्टोरी अच्छी लगी हो एंड साइल साइल आपके फेवरेट एक्टर हों तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद मातरम तो मूवी रिव्यू के वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो द लास्ट ब्लड मूवी के बारे में काफी लोग हैं जो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हैं अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना मैंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के बारे में जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी इस मूवी की हम आपको कहानी बताने वाले हैं कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा साथ ही में बात करेंगे रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में एंड साथ में इसकी टीम के बारे में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी की अर्निंग के बारे में बताने वाले हैं कि कितना अर्निंग मतलब कि कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड साथ ही में आपको बताएंगे कि यह मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो एक बार इस वीडियो को लाइक लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि किन किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को डायरेक्ट किया है एद्रियन ग्रूमवर्ग ने एंड स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मैथ्यू किरुक्लिक ने एंड साइल बेस्टर ने एंड इसके स्टोरी की बात की जाए तो इस मूवी की स्टोरी लिखी है डैन गॉर्डन ने एंड साइल बेस्टर ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को प्रोड्यूस किया है अवी लर्नर ने कैबिन किंग टेम्पलेटन ने जारिब लर्नर ने लेस बेल्डन ने अब बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में सैलबेस्टर स्टैलॉन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पैस बैगा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सर्गियो पेरिस मानचेस्टर देखने को मिल जाती हैं उसके आगे एड्रियाना बाराजा देखने को मिल जाती है उसके आगे जुबैटे मॉनरियल देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जेनी किम अक्का जैना हॉम हाँ देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जॉक्यू केस्यू एंड ऑस्कर जैनेडा देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है ब्रैंडन ग्लाबिन गार्डिन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है टॉड ई मिलर ने एंड कारस्टेन कुरपानेक ने म्यूज़िक की बात की जाए तो लास्ट ब्लड मूवी का म्यूज़िक किया है ब्रॉन ब्रायन टाइलर ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो लास्ट ब्लड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं बालबुआ प्रोडक्शंस डैडी फिल्म मिलीनियम मीडिया टेम्पले टेम्पलेटन मीडिया कैंपवेल ग्रो ग्रोमैन फिल्म्स एंड इसके डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है लॉयंस गेट ने एंड इसके रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी रिलीज़ हुआ था 20 सितंबर 2019 में एंड इसके लैंग्वेज की बात की जाए तो यह मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है जो कि ओरिजिनल लैंग्वेज है लेकिन इस मूवी का आपको हिंदी डब भी देखने को मिल जाता है अब बात कर लेते हैं इसके बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन के बारे में एंड बजट के बारे में कि कितने रुपए में इसको बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी ने किया था सबसे पहले बजट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी का बजट पचास मिलियन डॉलर का है एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इक्यानवे पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का है तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आपको पता चल गया बजट के बारे में आपको पता चल गया साथ ही में आपको रैंबो लास्ट ब्लड मूवी की टीम के बारे में पता चल गया कि किन्होंने इस मूवी को बनाया है अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है वियतनाम युद्ध वियतनाम युद्ध के बियोबुद जॉन व्योवयुद्ध जॉन रैम्बो रेवजोना में एक खेत पर घोड़ों को उठाकर शांति की कुछ झलक पाने की कोशिश करते हैं उसने मारिया नाम की एक महिला और उसकी किशोर पोती ग्रेबिएला के साथ एक विशेष पारिवारिक बंधन भी विकसित किया है लेकिन जब एक शातिर मैक्सिकन कॉन्टेल ग्रेबिएला का उपहरण होता है तो रैम्बो उसे बचाने और जिम्मेदार लोगों को डंडित करने के लिए एक खूनी और व्यांग्रीगत खोज पर सीमा पार करता है तो इसमें आपको ऐसी कुछ स्टोरी जो आपको इस रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाती है अगर आपको रैंबो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें जैसा कि आपको पता है कि रैम्बो जो रैम्बो मूवीज़ की पूरी सीरीज़ है जिनमें लीडिंग रोल में आपको सेल्वेस्ट स्टैलॉन एक्टर देखने को मिल जाते हैं तो रैम्बो मूवी की रैम्बो मूवी की इस सीरीज की ये एक पार्ट है इसकी पूरी सीरीज देख सकते हो आप बहुत अच्छा आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगा बहुत ही अच्छी एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस, इस मूवी को बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट भी किया गया है और इसका अंदाज़ा आप इसके बॉक्स ऑप्स कलेक्शन से लगा सकते हो कि कितने लोग जो इसको पसंद करते हैं रैमबो की मूवीज़ को पसंद करते हैं जो आज भी इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैमबो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाए लेकिन अभी तक इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया लेकिन अगर आप लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है बड़ी ही आसानी से आप किसी भी लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आप लास्ट ब्लड मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो so, आज की इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में आपको अच्छा लगा हो जानकर तो एक बार इसको लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें और आपको पता चल गया कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको इसकी स्टोरी अच्छी लगी हो एंड साइल साइल बैस्टर स्टाइल आपके फेवरेट एक्टर हों तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो द लास्ट ब्लड मूवी के बारे में काफी लोग हैं जो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हैं अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के बारे में जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी इस मूवी की हम आपको कहानी बताने वाले हैं कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा साथ ही में बात करेंगे रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में एंड साथ में इसकी टीम के बारे में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी की अर्निंग के बारे में बताने वाले हैं कि कितना अर्निंग मतलब कि कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड साथ ही में आपको बताएंगे कि यह मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो एक बार इस वीडियो को लाइक लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि किन किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को डायरेक्ट किया है एद्रियन ग्रूमवर्ग ने एंड स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मैथ्यू किरूक्लिक ने एंड सैलवेस्टर स्टेलॉन ने एंड इसके स्टोरी की बात की जाए तो इस मूवी की स्टोरी लिखी है डैन गॉर्डन ने एंड साइलबेस्टर स्टेलॉन ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को प्रोड्यूस किया है अवी लर्नर ने कैबिन किंग टेम्पलेटन ने जारिब लर्नर ने लेस बेल्डन ने अब बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रेम्बो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में साइल बेस्टर स्टैलॉन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पैस बैगा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सर्गियो पेरिस मानचेस्टा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे एड्रियाना बाराजा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जुबैटे मोनरियल देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जेनी किम अक्का जैना हॉन् हाँ देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जॉक्यू केस्यू एंड ऑस्कर जैनेडा देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है ब्रैंडन ग्लाविन गार्लविन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है टॉड ई मिलर ने एंड कारस्टेन कुरपानेग ने म्यूज़िक की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी का म्यूज़िक किया है ब्रॉन ब्रायन टाइलर ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं बालबुआ प्रोडक्शंस डैडी फिल्म मिलीनियम मीडिया टेम्पले टेम्पलेटन मीडिया कैंपवेल वेल ग्रो ग्रोमैन एंड इसके डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है लॉयस गेट ने एंड इसके रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी रिलीज़ हुआ था 20 सितंबर 2019 में एंड इसके लैंग्वेज की बात की जाए तो यह मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है जो कि ओरिजिनल लैंग्वेज है लेकिन इस मूवी का आपको हिंदी डब भी देखने को मिल जाता है अब बात कर लेते हैं इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में एंड बजट के बारे में कि कितने रुपए में इसको बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना द्ञा कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी ने किया था सबसे पहले बजट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी का बजट पचास मिलियन डॉलर का है एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इक्यावे पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का है तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आपको पता चल गया बजट के बारे में आपको पता चल गया साथ ही में आपको रैंबो लास्ट ब्लड मूवी की टीम के बारे में पता चल गया कि किन्होंने इस मूवी को बनाया है अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है वियतनाम युद्ध वियतनाम युद्ध के बियोवध जॉन व्योयुद्ध जॉन रैम्बो एरेजोना में एक खेत पर घोड़ों को उठाकर शांति की कुछ झलक पाने की कोशिश करते हैं उसने मारिया नाम की एक महिला और उसकी किशोर पोती ग्रेबिएला के साथ एक विशेष पारिवारिक बंधन भी विकसित किया है लेकिन जब एक शातिर मैक्सिकन कॉन्टेल ग्रेबिएला का उपहरण होता है तो रैम्बो उसे बचाने और जिम्मेदार लोगों को डंडित करने के लिए एक खूनी और व्यांग्रीगत खोज पर सीमा पार करता है तो इसमें आपको ऐसी कुछ स्टोरी जो आपको इस रैंबो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाती है अगर आपको रैमबो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचती रहें जैसा कि आपको पता है कि रैमबो जो रैमबो मूवीज़ की पूरी सीरीज़ है जिनमें लीडिंग रोल में आपको सेल्वेस्टर स्टैल एक्टर देखने को मिल जाते हैं तो रैम्बो मूवी की रैमबो मूवी की इस सीरीज की ही है, एक पार्ट है इसकी पूरी सीरीज़ देख सकते हो आप बहुत अच्छा आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगा बहुत ही अच्छी एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस इस मूवी को बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट भी किया गया है और इसका अंदाजा आप इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से लगा सकते हो कि कितने लोग जो इसको पसंद करते हैं रैम्बो की मूवीज़ को पसंद करते हैं जो आज भी इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैमबो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाए लेकिन अभी तक इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया लेकिन अगर आप लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है बड़ी ही आसानी से आप किसी भी लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आप रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो so, आज की इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में आपको अच्छा लगा हो जानकर तो एक बार इसको लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें और आपको पता चल गया कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको इसकी स्टोरी अच्छी लगी हो एंड साइल बा, साइल बैस्टर स्टाइल आपके फेवरेट एक्टर हों तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो मिलता है किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो द लास्ट ब्लड मूवी के बारे में काफ़ी लोग हैं जो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हैं अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के बारे में जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी इस मूवी की हम आपको कहानी बताने वाले हैं कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा साथ ही में बात करेंगे रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में एंड साथ में इसकी टीम के बारे में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी की अर्निंग के बारे में बताने वाले हैं कि कितना अर्निंग मतलब कि कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड साथ ही में आपको बताएंगे कि यह मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो एक बार इस वीडियो को लाइक लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि किन किन्ों ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट बलॉट मूवी को डायरेक्ट किया है एद्रियन ग्रूमवर्ग ने एंड स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मैथ्यू किरुक्लिक ने एंड साइल बेस्टर ने एंड इसके स्टोरी की बात की जाए तो इस मूवी की स्टोरी लिखी है डैन गॉर्डन ने एंड साइल बेस्टर ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को प्रोड्यूस किया है अवी लर्नर ने कैबिन किंग टेम्पलेटन ने जारिब लर्नर ने लेस बेल्डन ने अब बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में सैलबेस्टर स्टैलॉन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पैस बैगा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सर्गियो पेरिस मानचेस्टा देखने को मिल जाती हैं उसके आगे एड्रियाना बाराजा देखने को मिल जाती हैं उसके आगे जुबैटे मॉनरियल देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जेनी किम अक्का जैना हॉन् हाँ देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जॉक्यू केस्यू एंड ऑस्कर जैनेडा देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है ब्रैंडन ग्लाबिन गार्डविन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है टॉड ई मिलर ने एंड कारस्टेन कुरपा ने म्यूज़िक की बात की जाए तो लास्ट ब्लड मूवी का म्यूज़िक किया है ब्रॉन ब्रायन टाइलर ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो लास्ट ब्लड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं बालबुआ प्रोडक्शंस डैडी फिल्म मिलीनियम मीडिया टेम्पले टेम्पलेटन मीडिया कैंपवेल ग्रो ग्रोमैन फिल्म्स एंड इसके डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है लॉयस गेट ने एंड इसके रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी रिलीज़ हुआ था बीस 20 सितंबर 2019 में एंड इसके लैंग्वेज की बात की जाए तो यह मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है जो कि ओरिजिनल लैंग्वेज है लेकिन इस मूवी का आपको हिंदी डब भी देखने को मिल जाता है अब बात कर लेते हैं इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में एंड बजट के बारे में कि कितने रुपए में इसको बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी ने किया था सबसे पहले बजट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी का बजट पचास मिलियन डॉलर का है एंड इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन इक्यानवे पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का है तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आपको पता चल गया बजट के बारे में आपको पता चल गया साथ ही में आपको लास्ट ब्लड मूवी की टीम के बारे में पता चल गया कि किन्होंने इस मूवी को बनाया है अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है वियतनाम युद्ध वियतनाम युद्ध के बियोवद जॉन व्योयुद्ध जॉन रैम्बो रेवजोना में एक खेत पर घोड़ों को उठाकर शांति की कुछ झलक पाने की कोशिश करते हैं उसने मारिया नाम की एक महिला और उसकी किशोर पोती ग्रैबिएला के साथ एक विशेष पारिवारिक बंधन भी विकसित किया है लेकिन जब एक शातिर मैक्सिकन कॉन्टेल ग्रैबिएला का उपहरण होता है तो रैम्बो उसे बचाने और जिम्मेदार लोगों को डंडित करने के लिए एक खूनी और व्यांक्रीगत खोज पर सीमा पार करता है तो इसमें आपको ऐसी कुछ स्टोरी जो आपको इस रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाती है अगर आपको रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचती रहें जैसा कि आपको पता है कि रैम्बो जो रैमबो मूवीज़ की पूरी सीरीज़ है जिनमें लीडिंग रोल में आपको सेल्वेस्टर स्टैलॉन एक्टर देखने को मिल जाते हैं तो रैम्बो मूवी की रैम्बो मूवी की इस सीरीज़ की ही एक पार्ट है इसकी पूरी सीरीज देख सकते हो आप बहुत अच्छा आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगा बहुत ही अच्छी एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस, इस मूवी को बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट भी किया गया है और इसका अंदाज़ा आप इसके बॉक्स बॉक्सॉप कलेक्शन से लगा सकते हो कि कितने लोग जो इसको पसंद करते हैं रैमबो की मूवीज़ को पसंद करते हैं जो आज भी इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैमबो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाए लेकिन अभी तक इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया लेकिन अगर आप लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है बड़ी ही आसानी से आप किसी भी लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आप लास्ट ब्लड मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो so, आज की इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो रैम्बो लास्ट ब्लट मूवी की स्टोरी के बारे में आपको अच्छा लगा हो जानकर तो एक बार इसको लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचती रहें और आपको पता चल गया कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको इसकी स्टोरी अच्छी लगी हो एंड साइल साइल बैस्टर स्टाइल आपके फेवरेट एक्टर हों तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के 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 साथ है तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद मातरम तो मूवी रिव्यू वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो द लास्ट ब्लड मूवी के बारे में काफी लोग हैं जो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हैं अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के बारे में जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी इस मूवी की हम आपको कहानी बताने वाले हैं कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा साथ ही में बात करेंगे रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में एंड साथ में इसकी टीम के बारे में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी की अर्निंग के बारे में बताने वाले हैं कि कितना अर्निंग मतलब कि कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड साथ ही में आपको बताएंगे कि यह मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो एक बार इस वीडियो को लाइक लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि किन किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को डायरेक्ट किया है एड्रियन ग्रूमवर्ग ने एंड स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मैथ्यू किरुक्लिक ने एंड साइलवेस्टर स्टैलॉन ने एंड इसके स्टोरी की बात की जाए तो इस मूवी की स्टोरी लिखी है डैन गॉर्डन ने एंड साइलवेस्टर स्टैलॉन ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को प्रोड्यूस किया है अवी लर्नर ने कैबिन किंग टेम्पलेटन ने जारिब लर्नर ने लेस बेल्डन ने अब बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रेम्बो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में सैलबेस्टर स्टैलॉन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पैस बैगा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सर्गियो पेरिस मानचेस्टा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे एड्रियाना बाराजा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जुबैटे मॉनरियल देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जेनी किम अक्का जैना हॉम हाँ देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जॉक्यू केसियो एंड ऑस्कर जैनेडा देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है ब्रैंडन ग्लाबिन गार्डिन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है टॉड ई मिलर ने एंड कारस्टेन कुरपानेक ने म्यूज़िक की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी का म्यूज़िक किया है ब्रॉन ब्रायन टाइलर ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं बालबोआ प्रोडक्शंस डैडी फिल्म मिलीनियम मीडिया टेम्पले टेम्पलेटन मीडिया कैंपवेल ग्रो ग्रोमैन फिल्म्स एंड इसके डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है लॉयस गेट ने एंड इसके रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी रिलीज़ हुआ था 20 सितंबर 2019 में एंड इसके लैंग्वेज की बात की जाए तो यह मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है जो कि ओरिजिनल लैंग्वेज है लेकिन इस मूवी का आपको हिंदी डब भी देखने को मिल जाता है अब बात कर लेते इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में एंड बजट के बारे में कि कितने रुपए में इसको बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी ने किया था सबसे पहले बजट की, तो की, की, की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी का बजट पचास मिलियन डॉलर का है एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इक्यानवे पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का है तो बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में आपको पता चल गया बजट के बारे में आपको पता चल गया साथ ही में आपको रैंबो लास्ट ब्लड मूवी की टीम के बारे में पता चल गया कि किन्होंने इस मूवी को बनाया है अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है वियतनाम युद्ध वियतनाम युद्ध के बियोवद जॉन व्योयुद्ध जॉन रैम्बो रेवजोना में एक खेत पर घोड़ों को उठाकर शांति की कुछ झलक पाने की कोशिश करते हैं उसने मारिया नाम की एक महिला और उसकी किशोर पोती ग्रेबिएला के साथ एक विशेष पारिवारिक बंधन भी विकसित किया है लेकिन जब एक शातिर मैक्सिकन कॉन्टेल ग्रेबिएला का उपहरण होता है तो रैम्बो उसे बचाने और जिम्मेदार लोगों को दंडित करने के लिए एक खूनी और व्यांग्रीगत खोज पर सीमा पार करता है तो इसमें आपको ऐसी कुछ स्टोरी जो आपको इस रैंबो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाती है अगर आपको रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचती रहें जैसा कि आपको पता है कि रैम्बो जो रैमबो मूवीज़ की पूरी सीरीज़ है जिनमें लीडिंग रोल में आपको सेल्वेस्टर स्टैलॉन एक्टर देखने को मिल जाते हैं तो रैमबो मूवी की रैमबो मूवी की इस सीरीज़ की ही है, एक पार्ट है इसकी पूरी सीरीज़ देख सकते हो आप बहुत अच्छा आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगा बहुत ही अच्छी एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस इस मूवी को बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट भी किया गया है और इसका अंदाज़ आप इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से लगा सकते हो कि कितने लोग जो इसको पसंद करते हैं रैमबो की मूवीज़ को पसंद करते हैं जो आज भी इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैमबो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाए लेकिन अभी तक इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया लेकिन अगर आप लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है बड़ी ही आसानी से आप किसी भी लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आप लास्ट ब्लड मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो so, आज की इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में आपको अच्छा लगा हो जानकर तो एक बार इसको लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें और आपको पता चल गया कि यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको इसकी स्टोरी अच्छी लगी हो एंड साइल साइल बैस्टर स्टाइल आपके फेवरेट एक्टर हों तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो मिलता है किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के के साथ है तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो द लास्ट ब्लड मूवी के बारे में काफ़ी लोग हैं जो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हैं अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के बारे में जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी इस मूवी की हम आपको कहानी बताने वाले हैं कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा साथ ही में बात करेंगे रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में एंड साथ में इसकी टीम के बारे में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी की अर्निंग के बारे में बताने वाले हैं कि कितना अर्निंग मतलब कि कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड साथ ही में आपको बताएंगे कि यह मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो एक बार इस वीडियो को लाइक लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि किन किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्रट मूवी को डायरेक्ट किया है एद्रियन ग्रूमवर्ग ने एंड स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मैथ्यू किरुक्लिक ने एंड साइलवेस्टर स्टेलॉन ने एंड इसके स्टोरी की बात की जाए तो इस मूवी की स्टोरी लिखी है डैन गॉर्डन ने एंड साइल बेस्टर ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को प्रोड्यूस किया है अभी लर्नर ने कैबिन किंग टेम्पलेटन ने जारिब लर्नर ने लेस बेल्डन ने अब बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में साइडबेस्टर स्टेलॉन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पैस बैगा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सर्गियो पेरिस मानचेस्टा देखने को मिल जाती हैं, उसके आगे एड्रियाना बराजा देखने को मिल जाती है उसके आगे जुबैटे मॉनरियल देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जेनी किम अक्का जैना हॉन् हाँ देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जॉक्यो केस्यो एंड ऑस्कर जैनेडा देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है ब्रैंडन ग्लाबिन गार्लविन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है टॉड ई मिलर ने एंड कार्स्टिन कुरुपानेग ने म्यूज़िक की बात की जाए तो लास्ट ब्लड मूवी का म्यूज़िक किया है ब्रॉन ब्रायन टाइलर ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो लास्ट ब्लड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं बालबोआ प्रोडक्शंस डैडी फिल्म मिलेनियम मीडिया टेम्पले टेम्पलेटन मीडिया कैंप वेल ग्रो ग्रोमैन फिल्म एंड इसके डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है लॉयस गेट ने एंड इसके रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी रिलीज़ हुआ था बीस 20 सितंबर 2019 में एंड इसके लैंग्वेज की बात की जाए तो यह मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है जो कि ओरिजिनल लैंग्वेज है लेकिन इस मूवी का आपको हिंदी डब भी देखने को मिल जाता है अब बात कर लेते हैं इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में एंड बजट के बारे में कि कितने रुपए में इसको बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी ने किया था सबसे पहले बजट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी का बजट पचास मिलियन डॉलर का है एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इक्यानवे पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का है तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आपको पता चल गया बजट के बारे में आपको पता चल गया साथ ही में आपको रैंबो लास्ट ब्लड मूवी की टीम के बारे में पता चल गया कि किन्होंने इस मूवी को बनाया है अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है वियतनाम युद्ध वियतनाम युद्ध के बियोवध जॉन व्योयुद्ध जॉन रैम्बो रेजोना में एक खेत पर घोड़ों को उठाकर शांति की कुछ झलक पाने की कोशिश करते हैं उसने मारिया नाम की एक महिला और उसकी किशोर पोती ग्रैबिएला के साथ एक विशेष पारिवारिक बंधन भी विकसित किया है लेकिन जब एक शातिर मैक्सिकन कॉन्टेल ग्रैबिएला का उपहरण होता है तो रैम्बो उसे बचाने और जिम्मेदार लोगों को डंडित करने के लिए एक खूनी और व्यांग्रीगत खोज पर सीमा पार करता है तो इसमें आपको ऐसी कुछ स्टोरी जो आपको इस रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाती है अगर आपको रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचती रहें जैसा कि आपको पता है कि रैम्बो जो रैम्बो मूवीज की पूरी सीरीज़ है जिनमें लीडिंग रोल में आपको सेलबेस्ट एक्टर स्टैलॉन एक्टर देखने को मिल जाते हैं तो रैमबो मूवी की रैमबो मूवी की इस सीरीज की ही एक पार्ट है इसकी पूरी सीरीज देख सकते हो आप बहुत अच्छा आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगा बहुत ही अच्छी एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस, इस मूवी को बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट भी किया गया है और इसका अंदाज़ा आप इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से लगा सकते हो कि कितने लोग जो इसको पसंद करते हैं रैम्बो की मूवीज़ को पसंद करते हैं जो आज भी इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैमबो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाए लेकिन अभी तक इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया लेकिन अगर आप लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है बड़ी ही आसानी से आप किसी भी लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आप लास्ट ब्लड मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो so, आज की इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में आपको अच्छा लगा हो जानकर तो एक बार इसको लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचती रहें और आपको पता चल गया कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको इसकी स्टोरी अच्छी लगी हो एंड साइल साइल आपके फेवरेट एक्टर हों तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है तब तक के लिए ओके बाद बंदे तो मूवी रिव्यू के वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो द लास्ट ब्लड मूवी के बारे में काफी लोग हैं जो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हैं अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना मैंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के बारे में जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी इस मूवी की हम आपको कहानी बताने वाले हैं कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा साथ ही में बात करेंगे रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में एंड साथ में इसकी टीम के बारे में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी की अर्निंग के बारे में बताने वाले हैं कि कितना अर्निंग मतलब कि कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड साथ ही में आपको बताएंगे कि यह मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो एक बार इस वीडियो को लाइक लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि किन किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को डायरेक्ट किया है एद्रियन ग्रूमवर्ग ने एंड स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मैथ्यू किरुक्लिक ने एंड सालवेस्टर स्टैलॉन ने एंड इसके स्टोरी की बात की जाए तो इस मूवी की स्टोरी लिखी है डैन गॉर्डन ने एंड साइलवेस्टर स्टैलॉन ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को प्रोड्यूस किया है अभी लर्नर ने कैबिन किंग टेम्पलेटन ने जारिब लर्नर ने लेस बेल्डन ने अब बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रेम्बो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में सैलबेस्टर रो स्टैलॉन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पैस बैगा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सर्गियो पेरिस मानचेस्टा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे एड्रियाना बाराजा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जुबैटे मॉनरियल देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जेनी किम अक्का जैना हॉम हाँ देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जॉक्यू केस्यू एंड ऑस्कर जैनेडा देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है ब्रैंडन ग्लाबिन गार्डिन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है टॉड ई मिलर ने एंड कारस्टेन कुरपनेक ने म्यूज़िक की बात की जाए तो लास्ट ब्लड मूवी का म्यूज़िक किया है ब्रॉन ब्रायन टाइलर ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात तो uh, Grow, की जाए तो लास्ट ब्लड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं बालबुआ प्रोडक्शंस डैडी फिल्म मिलीनियम मीडिया टेम्पलेट टेम्पलेटन मीडिया कैंपवेल ग्रो ग्रोमैन फिल्म्स एंड इसके डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है लॉयस गेट ने एंड इसके रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी रिलीज़ हुआ था 20 सितंबर 2019 में एंड इसके लैंग्वेज की बात की जाए तो यह मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है जो कि ओरिजिनल लैंग्वेज है लेकिन इस मूवी का आपको हिंदी डब भी देखने को मिल जाता है अब बात कर लेते हैं इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में एंड बजट के बारे में कि कितने रुपए में इसको बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी ने किया था सबसे पहले बजट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी का बजट पचास मिलियन डॉलर का है एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इक्यानवे पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का है तो बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में आपको पता चल गया बजट के बारे में आपको पता चल गया साथ ही में आपको लास्ट ब्लड मूवी की टीम के बारे में पता चल गया कि किन्होंने इस मूवी को बनाया है अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है वियतनाम युद्ध वियतनाम युद्ध के बियोवद जॉन व्यव जॉन रैम्बो रेजोना में एक खेत पर घोड़ों को उठाकर शांति की कुछ झलक पाने की कोशिश करते हैं उसने मारिया नाम की एक महिला और उसकी किशोर पोती ग्रेबिएला के साथ एक विशेष पारिवारिक बंधन भी विकसित किया है लेकिन जब एक शातिर मैक्सिकन कॉन्टेल ग्रेबिएला का उपहरण होता है तो रैम्बो उसे बचाने और जिम्मेदार लोगों को डंडित करने के लिए एक खूनी और व्यांग्रीगत खोज पर सीमा पार करता है तो इसमें आपको ऐसी कुछ स्टोरी जो आपको इस रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाती है अगर आपको रैमबो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचती रहें जैसा कि आपको पता है कि रैमबो जो रैमबो मूवीज़ की पूरी सीरीज़ है जिनमें लीडिंग रोल में आपको सेल्वेस्टर स्टैलॉन एक्टर देखने को मिल जाते हैं तो रैमबो मूवी की रैमबो मूवी की इस सीरीज़ की ही एक पार्ट है इसकी पूरी सीरीज़ देख सकते हो आप बहुत अच्छा आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगा बहुत ही अच्छी एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस इस मूवी को बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट भी किया गया है और इसका अंदाज़ा आप इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से लगा सकते हो कि कितने लोग जो इसको पसंद करते हैं रैमबो की मूवीज़ को पसंद करते हैं जो आज भी इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैमबो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाए लेकिन अभी तक इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया लेकिन अगर आप लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है बड़ी ही आसानी से आप किसी भी लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आप लास्ट ब्लड मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो so, आज की इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में आपको अच्छा लगा हो जानकर तो एक बार इसको लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें और आपको पता चल गया कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको इसकी स्टोरी अच्छी लगी हो एंड साइल साइल बैस्टर स्टाइल आपके फेवरेट एक्टर हों तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है तब तक के लिए ओके बाय जय बंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो द लास्ट ब्लड मूवी के बारे में काफी लोग हैं जो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हैं अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के बारे में जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी इस मूवी की हम आपको कहानी बताने वाले हैं कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा साथ ही में बात करेंगे रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में एंड साथ में इसकी टीम के बारे में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी की अर्निंग के बारे में बताने वाले हैं कि कितना अर्निंग मतलब कि कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड साथ ही में आपको बताएंगे कि यह मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो एक बार इस वीडियो को लाइक लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि किन किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को डायरेक्ट किया है एद्रियन ग्रूमवर्ग ने एंड स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मैथ्यू किरुक्लिक ने एंड साइल बेस्टर स्टैलॉन ने एंड इसके स्टोरी की बात की जाए तो इस मूवी की स्टोरी लिखी है डैन गॉर्डन ने एंड साइल बेस्टर ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को प्रोड्यूस किया है अवी लर्नर ने कैबिन किंग टेम्पलेटन ने जारिब लर्नर ने लेस बेल्डन ने अब बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में सैलबेस्टर स्टेलॉन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पैस बैगा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सर्गियो पेरिस पैरिस देखने को मिल जाती हैं, उसके आगे एड्रियाना बराजा देखने को मिल जाती है उसके आगे जुबैटे मोनरियल देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जेनी किम अक्का जैना हॉम हाँ देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जॉक्यू केस्यू एंड ऑस्कर जैनेडा देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है ब्रैंडन ग्लाविन गार्लविन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है टॉड ई मिलर ने एंड कार्स्टेन कुरपानेग ने म्यूज़िक की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी का म्यूज़िक किया है ब्रॉन ब्रायन टाइलर ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं बालबुआ प्रोडक्शंस डैडी फिल्म मिलीनियम मीडिया टेम्पले टेम्पलेटन मीडिया कैंपवेल वेल ग्रो ग्रोमैन एंड इसके डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है लॉयस गेट ने एंड इसके रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी रिलीज़ हुआ था 20 सितंबर 2019 में एंड इसके लैंग्वेज की बात की जाए तो यह मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है जो कि ओरिजिनल लैंग्वेज है लेकिन इस मूवी का आपको हिंदी डब भी देखने को मिल जाता है अब बात कर लेते हैं इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में एंड बजट के बारे में कि कितने रुपए में इसको बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी ने किया था सबसे पहले बजट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी का बजट पचास मिलियन डॉलर का है एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इक्नवे पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का है तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आपको पता चल गया बजट के बारे में आपको पता चल गया साथ ही में आपको रैंबो लास्ट ब्लड मूवी की टीम के बारे में पता चल गया कि किन्होंने इस मूवी को बनाया है अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है वियतनाम युद्ध वियतनाम युद्ध के बियोवध जॉन व्यवुद्ध जॉन रैम्बो एरेजोना में एक खेत पर घोड़ों को उठाकर शांति की कुछ झलक पाने की कोशिश करते हैं उसने मारिया नाम की एक महिला और उसकी किशोर पोती ग्रैबियेला के साथ एक विशेष पारिवारिक बंधन भी विकसित किया है लेकिन जब एक शातिर मैक्सिकन कॉन्टेल ग्रैबिएला का उपहरण होता है तो रैम्बो उसे बचाने और जिम्मेदार लोगों को दंडित करने के लिए एक खूनी और व्यांक्रीगत खोज पर सीमा पार करता है तो इसमें आपको ऐसी कुछ स्टोरी जो आपको इस रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाती है अगर आपको रैंबो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें जैसा कि आपको पता है कि रैम्बो जो रैमबो मूवीज़ की पूरी सीरीज़ है जिनमें लीडिंग रोल में आपको सेलबेस्ट एक्टर स्टैलॉन एक्टर देखने को मिल जाते हैं तो रैमबो मूवी की रैमबो मूवी की इस सीरीज़ की ही एक पार्ट है इसकी पूरी सीरीज़ देख सकते हो आप बहुत अच्छा आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगा बहुत ही अच्छी एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस, इस मूवी को बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट भी किया गया है और इसका अंदाजा आप इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से लगा सकते हो कि कितने लोग जो इसको पसंद करते हैं रैमबो की मूवीज़ को पसंद करते हैं जो आज भी इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाए लेकिन अभी तक इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया लेकिन अगर आप लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है बड़ी ही आसानी से आप किसी भी लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आप रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो so, आज की इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में आपको अच्छा लगा हो जानकर तो एक बार इसको लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें और आपको पता चल गया कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको इसकी स्टोरी अच्छी लगी हो एंड साइल बै बा, बैस्टर स्टाइल आपके फेवरेट एक्टर हों तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो मिलता है किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है अब तक के लिए ओके बाय जय हिंद वंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के कॉर्नर नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो द लास्ट ब्लड मूवी के बारे में काफी लोग हैं जो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हैं अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना मैंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के बारे में जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी इस मूवी की हम आपको कहानी बताने वाले हैं कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा साथ ही में बात करेंगे रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में एंड साथ में इसकी टीम के बारे में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी की अर्निंग के बारे में बताने वाले हैं कि कितना अर्निंग मतलब कि कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड साथ ही में आपको बताएंगे कि यह मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो एक बार इस वीडियो को लाइक लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि किन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को डायरेक्ट किया है एद्रियन ग्रुमवर्ग ने एंड स्क्रीन पे की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन पे लिखा है मैथ्यू किरूक्लिक ने एंड सालवेस्टर स्टैलॉन ने एंड इसके स्टोरी की बात की जाए तो इस मूवी की स्टोरी लिखी है डैन गॉर्डन ने एंड साइलवेस्टर स्टैलॉन ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को प्रोड्यूस किया है अवी लर्नर ने कैबिन किंग टेम्पलेटन ने जारिब लर्नर ने लेस बेल्डन ने अब बात कर लेते कि कौन से एक्टर आपको रेम्बो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में सैलबेस्टर स्टैलॉन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पैस बैगा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सर्गियो पेरिस मानचेस्टर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे एड्रियाना बाराजा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जुबैटे मोनरियल देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जेनी किम अक्का जैना हॉन् हाँ देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जॉक्यू केस्यू एंड ऑस्कर जैनेडा देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है ब्रैंडन ग्लाबिन गार्डविन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है टॉड ई मिलर ने एंड कारस्टेन कुरपानेक ने म्यूज़िक की बात की जाए तो लास्ट ब्लड मूवी का म्यूज़िक किया है ब्रॉन ब्रायन टाइलर ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो लास्ट ब्लड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं बालबुआ प्रोडक्शंस डैडी फिल्म मिलीनियम मीडिया टेम्पले टेम्पलेटन मीडिया कैंपवेल ग्रो ग्रोमैन फिल्म्स एंड इसके डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है लॉयस गेट ने एंड इसके रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी रिलीज़ हुआ था बीस 20 सितंबर 2019 में एंड इसके लैंग्वेज की बात की जाए तो यह मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है जो कि ओरिजिनल लैंग्वेज है लेकिन इस मूवी का आपको हिंदी डब भी देखने को मिल जाता है अब बात कर लेते हैं इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में एंड बजट के बारे में कि कितने रुपए में इसको बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी ने किया था सबसे पहले बजट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी का बजट पचास मिलियन डॉलर का है एंड इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन इक्यानवे पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का है तो बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में आपको पता चल गया बजट के बारे में आपको पता चल गया साथ ही में आपको रैंबो लास्ट ब्लड मूवी की टीम के बारे में पता चल गया कि किन्होंने इस मूवी को बनाया है अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है वियतनाम युद्ध वियतनाम युद्ध के बियोव जॉन वियोयुद्ध जॉन रैम्बो रेजोना में एक खेत पर घोड़ों को उठाकर शांति की कुछ झलक पाने की कोशिश करते हैं उसने मारिया नाम की एक महिला और उसकी किशोर पोती ग्रेबिएला के साथ एक विशेष पारिवारिक बंधन भी विकसित किया है लेकिन जब एक शातिर मैक्सिकन कॉन्टेल ग्रेबिएला का उपहरण होता है तो रैम्बो उसे बचाने और ज़िम्मेदार लोगों को डंडित करने के लिए एक खूनी और व्यांक्रीगत खोज पर सीमा पार करता है तो इसमें आपको ऐसी कुछ स्टोरी जो आपको इस रैंबो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाती है अगर आपको रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचती रहें जैसा कि आपको पता है कि रैम्बो जो रैमबो मूवीज की पूरी सीरीज़ है जिनमें लीडिंग रोल में आपको सेल्वेस्टर स्टैलॉन एक्टर देखने को मिल जाते हैं तो रैमबो मूवी की रैम्बो मूवी की इस सीरीज़ की ही है, एक पार्ट है इसकी पूरी सीरीज़ देख सकते हो आप बहुत अच्छा आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगा बहुत ही अच्छी एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस इस मूवी को बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट भी किया गया है और इसका अंदाज़ा आप इसके बॉक्स बॉक्सॉप कलेक्शन से लगा सकते हो कि कितने लोग जो इसको पसंद करते हैं रैमबो की मूवीज़ को पसंद करते हैं जो आज भी इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैमबो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाए लेकिन अभी तक इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया लेकिन अगर आप लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है बड़ी ही आसानी से आप किसी भी लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आप लास्ट ब्लड मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो so, आज की इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो रैम्बो लास्ट ब्लट मूवी की स्टोरी के बारे में आपको अच्छा लगा हो जानकर तो एक बार इसको लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचती रहें और आपको पता चल गया कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको इसकी स्टोरी अच्छी लगी हो एंड साइल साइल बैस्टर स्टाइल आपके फेवरेट एक्टर हों तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के 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 साथ है तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद मातरम तो मूवी रिव्यू वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो द लास्ट ब्लड मूवी के बारे में काफी लोग हैं जो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हैं अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के बारे में जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी इस मूवी की हम आपको कहानी बताने वाले हैं कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा साथ ही में बात करेंगे रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में एंड साथ में इसकी टीम के बारे में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी की अर्निंग के बारे में बताने वाले हैं कि कितना अर्निंग मतलब कि कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड साथ ही में आपको बताएंगे कि यह मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो एक बार इस वीडियो को लाइक लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं रैमबो लास्ट ब्लड मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि किन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट बलट मूवी को डायरेक्ट किया है एद्रियन ग्रूमवर्ग ने एंड स्क्रीन पे की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन पे लिखा है मैथ्यू किरुकलनिक ने एंड साइल बेस्टर ने एंड इसके स्टोरी की बात की जाए तो इस मूवी की स्टोरी लिखी है डैन गॉर्डन ने एंड साइल स्टैलॉन ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को प्रोड्यूस किया है अभी लर्नर ने कैबिन किंग टेम्पलेटन ने जारिब लर्नर ने लेस बेल्डन ने अब बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में सैलबेस्टर स्टेलॉन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पैस बैगा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सर्गियो पेरिस मानचेस्टा देखने को मिल जाती हैं, उसके आगे एड्रियाना बाराजा देखने को मिल जाती है उसके आगे जुबैटे मोनरियल देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जेनी किम अक्का जैना हान देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जॉक्यू केसियो एंड ऑस्कर जैनेडा देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है ब्रैंडन ग्लाबिन गार्डिन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है टॉड ई मिलर ने एंड कारस्टेन कुरपानेक ने म्यूज़िक की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी का म्यूज़िक किया है ब्रॉन ब्रायन टाइलर ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात तो uh, Grow, की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं बालबोआ प्रोडक्शंस डैडी फिल्म मिलीनियम मीडिया टेम्पले टेम्पलेटन मीडिया कैंपवेल ग्रो ग्रोमैन फिल्मस एंड इसके डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है लॉयस गेट ने एंड इसके रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी रिलीज़ हुआ था 20 सितंबर 2019 में एंड इसके लैंग्वेज की बात की जाए तो यह मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है जो कि ओरिजिनल लैंग्वेज है लेकिन इस मूवी का आपको हिंदी डब भी देखने को मिल जाता है अब बात कर लेते हैं इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में एंड बजट के बारे में कि कितने रुपए में इसको बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी ने किया था सबसे पहले बजट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी का बजट पचास मिलियन डॉलर का है एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इक्नवे पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का है तो बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में आपको पता चल गया बजट के बारे में आपको पता चल गया साथ ही में आपको रैंबो लास्ट ब्लड मूवी की टीम के बारे में पता चल गया कि किन्होंने इस मूवी को बनाया है अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है वियतनाम युद्ध वियतनाम युद्ध के बियोबुद जॉन व्यवयुद्ध जॉन रैम्बो रेवजोना में एक खेत पर घोड़ों को उठाकर शांति की कुछ झलक पाने की कोशिश करते हैं उसने मारिया नाम की एक महिला और उसकी किशोर पोती ग्रैबिएला के साथ एक विशेष पारिवारिक बंधन भी विकसित किया है लेकिन जब एक शातिर मैक्सिकन कॉन्टेल ग्रैबिएला का उपहरण होता है तो रैम्बो उसे बचाने और जिम्मेदार लोगों को डंडित करने के लिए एक खूनी और व्यांक्रीगत खोज पर सीमा पार करता है तो इसमें आपको ऐसी कुछ स्टोरी जो आपको इस रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाती है अगर आपको रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचती रहें जैसा कि आपको पता है कि रैम्बो जो रैम्बो मूवीज़ की पूरी सीरीज़ है जिनमें लीडिंग रोल में आपको सेल्वेस्ट स्टेलॉन एक्टर देखने को मिल जाते हैं तो रैम्बो मूवी की रैम्बो मूवी की इस सीरीज की ही एक पार्ट है इसकी पूरी सीरीज देख सकते हो आप बहुत अच्छा आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगा बहुत ही अच्छी एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस, इस मूवी को बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट भी किया गया है और इसका अंदाज़ आप इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से लगा सकते हो कि कितने लोग जो इसको पसंद करते हैं रैमबो की मूवीज़ को पसंद करते हैं जो आज भी इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाए लेकिन अभी तक इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया लेकिन अगर आप लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है बड़ी ही आसानी से आप किसी भी लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आप लास्ट ब्लड मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो so, आज की इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो रैमबो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में आपको अच्छा लगा हो जानकर तो एक बार इसको लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें और आपको पता चल गया कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको इसकी स्टोरी अच्छी लगी हो एंड साइल साइल बैस्टर स्टाइल आपके फेवरेट एक्टर हों तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो मिलता है किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो द लास्ट ब्लड मूवी के बारे में काफ़ी लोग हैं जो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हैं अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के बारे में जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी इस मूवी की हम आपको कहानी बताने वाले हैं कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा साथ ही में बात करेंगे रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में एंड साथ में इसकी टीम के बारे में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी की अर्निंग के बारे में बताने वाले हैं कि कितना अर्निंग मतलब कि कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड साथ ही में आपको बताएंगे कि यह मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो एक बार इस वीडियो को लाइक लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि किन किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को डायरेक्ट तो किया है एद्रियन ग्रूमवर्ग ने एंड स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मैथ्यू किरुक्लिक ने एंड सैल्वेस्टर स्टैलॉन ने एंड इसके स्टोरी की बात की जाए तो इस मूवी की स्टोरी लिखी है डैन गॉर्डन ने एंड साइलवेस्टर स्टेलॉन ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को प्रोड्यूस किया है अवी लर्नर ने कैबिन किंग टेम्पलेटन ने जारिब लर्नर ने लेस बेल्डन ने अब बात कर लेते कि कौन से एक्टर आपको रेम्बो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में सलबेस्टर स्टैलॉन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पैस बैगा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सर्गियो पेरिस मंचेस्टा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे एड्रियाना बाराजा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जुबैटे मॉनरियल देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जेनी किम अक्का जैना हॉन् हाँ देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जॉक्यो केस्यो एंड ऑस्कर जैनेडा देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है ब्रैंडन ग्लाबिन गार्लविन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है टॉड ई मिलर ने एंड कार्स्टिन कुरुपानेग ने म्यूज़िक की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी का म्यूज़िक किया है ब्रॉन ब्रायन टाइलर ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं बालबोआ प्रोडक्शंस डैडी फिल्म मिलीनियम मीडिया टेम्पले टेम्पलेटन मीडिया कैंपवेल ग्रो ग्रोमैन फिल्म्स एंड इसके डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है लॉयंस गेट ने एंड इसके रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी रिलीज़ हुआ था 20 सितंबर 2019 में एंड इसके लैंग्वेज की बात की जाए तो यह मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है जो कि ओरिजिनल लैंग्वेज है लेकिन इस मूवी का आपको हिंदी डब भी देखने को मिल जाता है अब बात कर लेते हैं इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में एंड बजट के बारे में कि कितने रुपए में इसको बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी ने किया था सबसे पहले बजट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी का बजट पचास तो मिलियन डॉलर का है एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इक्यानवे पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का है तो बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में आपको पता चल गया बजट के बारे में आपको पता चल गया साथ ही में आपको रैंबो लास्ट ब्लड मूवी की टीम के बारे में पता चल गया कि किन्होंने इस मूवी को बनाया है अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है वियतनाम युद्ध वियतनाम युद्ध के बियोव जॉन व्योयुद्ध जॉन रैम्बो रेजोना में एक खेत पर घोड़ों को उठाकर शांति की कुछ झलक पाने की कोशिश करते हैं उसने मारिया नाम की एक महिला और उसकी किशोर पोती ग्रेबिएला के साथ एक विशेष पारिवारिक बंधन भी विकसित किया है लेकिन जब एक शातिर मैक्सिकन कॉन्टेल ग्रेबिएला का उपहरण होता है तो रैम्बो उसे बचाने और ज़िम्मेदार लोगों को दंडित करने के लिए एक खूनी और व्यांक्रीगत खोज पर सीमा पार करता है तो इसमें आपको ऐसी कुछ स्टोरी जो आपको इस रैंबो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाती है अगर आपको रैमबो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचती रहें जैसा कि आपको पता है कि रैमबो जो रैमबो मूवीज़ की पूरी सीरीज़ है जिनमें लीडिंग रोल में आपको सेल्वेस्टर स्टैलॉन एक्टर देखने को मिल जाते हैं तो रैम्बो मूवी की रैम्बो मूवी की इस सीरीज़ की ही है, एक पार्ट है इसकी पूरी सीरीज़ देख सकते हो आप बहुत अच्छा आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगा बहुत ही अच्छी एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस इस मूवी को बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट भी किया गया है और इसका अंदाज़ा आप इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से लगा सकते हो कि कितने लोग जो इसको पसंद करते हैं रैमबो की मूवीज़ को पसंद करते हैं जो आज भी इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैमबो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाए लेकिन अभी तक इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया लेकिन अगर आप लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है बड़ी ही आसानी से आप किसी भी लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आप लास्ट ब्लड मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो so, आज की इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में आपको अच्छा लगा हो जानकर तो एक बार इसको लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचती रहें और आपको पता चल गया कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको इसकी स्टोरी अच्छी लगी हो एंड साइल बा, साइल बैस्टर स्टाइल आपके फेवरेट एक्टर हों तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद मातरम तो मूवी रिव्यू के वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो द लास्ट ब्लड मूवी के बारे में काफी लोग हैं जो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हैं अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना मैंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के बारे में जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी इस मूवी की हम आपको कहानी बताने वाले हैं कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा साथ ही में बात करेंगे रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में एंड साथ में इसकी टीम के बारे में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी की अर्निंग के बारे में बताने वाले हैं कि कितना अर्निंग मतलब कि कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड साथ ही में आपको बताएंगे कि यह मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो एक बार इस वीडियो को लाइक लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि किन किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को डायरेक्ट किया है एद्रियन ग्रूमवर्ग ने एंड स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मैथ्यू किरुक्लिक ने एंड साइल बेस्टर ने एंड इसके स्टोरी की बात की जाए तो इस मूवी की स्टोरी लिखी है डैन गॉर्डन ने एंड साइल बेस्टर ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को प्रोड्यूस किया है अवी लर्नर ने कैबिन किंग टेम्पलेटन ने जारिब लर्नर ने लेस बेल्डन ने अब बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में सैलबेस्टर स्टैलॉन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पैस बैगा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सर्गियो पेरिस मानचेस्टर देखने को मिल जाती हैं उसके आगे एड्रियाना बाराजा देखने को मिल जाती है उसके आगे जुबैटे मॉनरियल देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जेनी किम अक्का जैना हॉम हाँ देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जॉक्यू केस्यू एंड ऑस्कर जैनेडा देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है ब्रैंडन ग्लाबिन गार्डिन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है टॉड ई मिलर ने एंड कारस्टेन कुरपानेक ने म्यूज़िक की बात की जाए तो लास्ट ब्लड मूवी का म्यूज़िक किया है ब्रॉन ब्रायन टाइलर ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो लास्ट ब्लड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं बालबुआ प्रोडक्शंस डैडी फिल्म मिलीनियम मीडिया टेम्पले टेम्पलेटन मीडिया कैंपवेल ग्रो ग्रोमैन फिल्म्स एंड इसके डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है लॉयंस गेट ने एंड इसके रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी रिलीज़ हुआ था 20 सितंबर 2019 में एंड इसके लैंग्वेज की बात की जाए तो यह मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है जो कि ओरिजिनल लैंग्वेज है लेकिन इस मूवी का आपको हिंदी डब भी देखने को मिल जाता है अब बात कर लेते हैं इसके बॉक्स ऑफ्स कलेक्शन के बारे में एंड बजट के बारे तो में कि कितने रुपए में इसको बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी ने किया था सबसे पहले बजट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी का बजट पचास मिलियन डॉलर का है एंड इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन इक्यानवे पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का है तो बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में आपको पता चल गया बजट के बारे में आपको पता चल गया साथ ही में आपको रैंबो लास्ट ब्लड मूवी की टीम के बारे में पता चल गया कि किन्होंने इस मूवी को बनाया है अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है वियतनाम युद्ध वियतनाम युद्ध के बियोबुद जॉन व्योवयुद्ध जॉन रैम्बो रेवजोना में एक खेत पर घोड़ों को उठाकर शांति की कुछ झलक पाने की कोशिश करते हैं उसने मारिया नाम की एक महिला और उसकी किशोर पोती ग्रेबिएला के साथ एक विशेष पारिवारिक बंधन भी विकसित किया है लेकिन जब एक शातिर मैक्सिकन कॉन्टेल ग्रेबिएला का उपहरण होता है तो रैम्बो उसे बचाने और जिम्मेदार लोगों को डंडित करने के लिए एक खूनी और व्यांग्रीगत खोज पर सीमा पार करता है तो इसमें आपको ऐसी कुछ स्टोरी जो आपको इस रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाती है अगर आपको रैंबो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें जैसा कि आपको पता है कि रैम्बो जो रैम्बो मूवीज़ की पूरी सीरीज़ है जिनमें लीडिंग रोल में आपको सेल्वेस्ट स्टैलॉन एक्टर देखने को मिल जाते हैं तो रैम्बो मूवी की रैम्बो मूवी की इस सीरीज की ये एक पार्ट है इसकी पूरी सीरीज देख सकते हो आप बहुत अच्छा आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगा बहुत ही अच्छी एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस, इस मूवी को बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट भी किया गया है और इसका अंदाज़ा आप इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से लगा सकते हो कि कितने लोग जो इसको पसंद करते हैं रैमबो की मूवीज़ को पसंद करते हैं जो आज भी इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैमबो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाए लेकिन अभी तक इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया लेकिन अगर आप लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है बड़ी ही आसानी से आप किसी भी लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आप लास्ट ब्लड मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो so, आज की इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में आपको अच्छा लगा हो जानकर तो एक बार इसको लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें और आपको पता चल गया कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको इसकी स्टोरी अच्छी लगी हो एंड साइल साइल बैस्टर स्टाइल आपके फेवरेट एक्टर हों तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है तब तक के लिए ओके बाय जय बंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो द लास्ट ब्लड मूवी के बारे में काफी लोग हैं जो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हैं अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के बारे में जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी इस मूवी की हम आपको कहानी बताने वाले हैं कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा साथ ही में बात करेंगे रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में एंड साथ में इसकी टीम के बारे में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी की अर्निंग के बारे में बताने वाले हैं कि कितना अर्निंग मतलब कि कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड साथ ही में आपको बताएंगे कि यह मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो एक बार इस वीडियो को लाइक लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि किन किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को डायरेक्ट किया है एद्रियन ग्रूमवर्ग ने एंड स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मैथ्यू किरूक्लिक ने एंड सैलवेस्टर स्टेलॉन ने एंड इसके स्टोरी की बात की जाए तो इस मूवी की स्टोरी लिखी है डैन गॉर्डन ने एंड साइलबेस्टर स्टेलॉन ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को प्रोड्यूस किया है अवी लर्नर ने कैबिन किंग टेम्पलेटन ने जारिब लर्नर ने लेस बेल्डन ने अब बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रेम्बो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में सैलबेस्टर स्टेलॉन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पैस बैगा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सर्गियो पेरिस मानचेस्टर देखने को मिल जाते हैं उसके आगे एड्रियाना बाराजा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जुबैटे मोनरियल देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जेनी किम अक्का जैना हॉन् हाँ देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जॉक्यू केस्यू एंड ऑस्कर जैनेडा देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है ब्रैंडन ग्लाविन गार्लविन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है टॉड ई मिलर ने एंड कारस्टेन कुरपानेग ने म्यूज़िक की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी का म्यूज़िक किया है ब्रॉन ब्रायन टाइलर ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं बालबुआ प्रोडक्शंस डैडी फिल्म मिलीनियम मीडिया टेम्पले टेम्पलेटन मीडिया कैंपवेल वेल ग्रो ग्रोमैन एंड इसके डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है लॉयस गेट ने एंड इसके रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी रिलीज़ हुआ था 20 सितंबर 2019 में एंड इसके लैंग्वेज की बात की जाए तो यह मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है जो कि ओरिजिनल लैंग्वेज है लेकिन इस मूवी का आपको हिंदी डब भी देखने को मिल जाता है अब बात कर लेते हैं इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में एंड बजट के बारे में कि कितने रुपए में इसको बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना द्ञा कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी ने किया था सबसे पहले बजट की बात की जाए तो, तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी का बजट पचास मिलियन डॉलर का है एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इक्यावे पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का है तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आपको पता चल गया बजट के बारे में आपको पता चल गया साथ ही में आपको रैंबो लास्ट ब्लड मूवी की टीम के बारे में पता चल गया कि किन्होंने इस मूवी को बनाया है अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है वियतनाम युद्ध वियतनाम युद्ध के बियोवध जॉन व्योयुद्ध जॉन रैम्बो एरेजोना में एक खेत पर घोड़ों को उठाकर शांति की कुछ झलक पाने की कोशिश करते हैं उसने मारिया नाम की एक महिला और उसकी किशोर पोती ग्रेबिएला के साथ एक विशेष पारिवारिक बंधन भी विकसित किया है लेकिन जब एक शातिर मैक्सिकन कॉन्टेल ग्रेबिएला का उपहरण होता है तो रैम्बो उसे बचाने और जिम्मेदार लोगों को डंडित करने के लिए एक खूनी और व्यांग्रीगत खोज पर सीमा पार करता है तो इसमें आपको ऐसी कुछ स्टोरी जो आपको इस रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाती है अगर आपको रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचती रहें जैसा कि आपको पता है कि रैम्बो जो रैमबो मूवीज़ की पूरी सीरीज़ है जिनमें लीडिंग रोल में आपको सेल्वेस्टर स्टैलॉन एक्टर देखने को मिल जाते हैं तो रैमबो मूवी की रैमबो मूवी की इस सीरीज़ की ही एक पार्ट है इसकी पूरी सीरीज देख सकते हो आप बहुत अच्छा आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगा बहुत ही अच्छी एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस इस मूवी को बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट भी किया गया है और इसका अंदाजा आप इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से लगा सकते हो कि कितने लोग जो इसको पसंद करते हैं रैमबो की मूवीज़ को पसंद करते हैं जो आज भी इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाए लेकिन अभी तक इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया लेकिन अगर आप लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है बड़ी ही आसानी से आप किसी भी लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आप रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो so, आज की इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में आपको अच्छा लगा हो जानकर तो एक बार इसको लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें और आपको पता चल गया कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको इसकी स्टोरी अच्छी लगी हो एंड साइल साइल बैस्टर स्टाइल आपके फेवरेट एक्टर हों तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो मिलता है किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और नए वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो द लास्ट ब्लड मूवी के बारे में काफ़ी लोग हैं जो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हैं अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के बारे में जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी इस मूवी की हम आपको कहानी बताने वाले हैं कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा साथ ही में बात करेंगे रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में एंड साथ में इसकी टीम के बारे में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी की अर्निंग के बारे में बताने वाले हैं कि कितना अर्निंग मतलब कि कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड साथ ही मैं आपको बताएंगे कि यह मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो एक बार इस वीडियो को लाइक लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि किन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट बलॉट मूवी को डायरेक्ट किया है एद्रियन ग्रूमवर्ग ने एंड स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मैथ्यू किरुक्लिक ने एंड साइल बेस्टर ने एंड इसके स्टोरी की बात की जाए तो इस मूवी की स्टोरी लिखी है डैन गॉर्डन ने एंड साइल बेस्टर ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को प्रोड्यूस किया है अवी लर्नर ने कैबिन किंग टेम्पलेटन ने जारिब लर्नर ने लेस बेल्डन ने अब बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में सैलबेस्टर स्टैलॉन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पैस बैगा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सर्गियो पेरिस मानचेस्टा देखने को मिल जाती हैं उसके आगे एड्रियाना बाराजा देखने को मिल जाती हैं उसके आगे जुबैटे मॉनरियल देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जेनी किम अक्का जैना हॉन् हाँ देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जॉक्यू केस्यू एंड ऑस्कर जैनेडा देखने को मिल जाते हैं सनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है ब्रैंडन ग्लाबिन गार्डविन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है टॉड ई मिलर ने एंड कारस्टेन कुरपा ने म्यूज़िक की बात की जाए तो लास्ट ब्लड मूवी का म्यूज़िक किया है ब्रॉन ब्रायन टाइलर ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात तो uh, Grow, की जाए तो लास्ट ब्लड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं बालबुआ प्रोडक्शंस डैडी फिल्म मिलीनियम मीडिया टेम्पले टेम्पलेटन मीडिया कैंपवेल ग्रो ग्रोमैन फिल्म्स एंड इसके डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है लॉयस गेट ने एंड इसके रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी रिलीज़ हुआ था बीस 20 सितंबर 2019 में एंड इसके लैंग्वेज की बात की जाए तो यह मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है जो कि ओरिजिनल लैंग्वेज है लेकिन इस मूवी का आपको हिंदी डब भी देखने को मिल जाता है अब बात कर लेते हैं इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में एंड बजट के बारे में कि कितने रुपए में इसको बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी ने किया था सबसे पहले बजट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी का बजट पचास मिलियन डॉलर का है एंड इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का बॉक्स ऑफ कलेक्शन इक्यानवे पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का है तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आपको पता चल गया बजट के बारे में आपको पता चल गया साथ ही में आपको लास्ट ब्लड मूवी की टीम के बारे में पता चल गया कि किन्होंने इस मूवी को बनाया है अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है वियतनाम युद्ध वियतनाम युद्ध के बियोवद जॉन व्योयुद्ध जॉन रैम्बो रेवजोना में एक खेत पर घोड़ों को उठाकर शांति की कुछ झलक पाने की कोशिश करते हैं उसने मारिया नाम की एक महिला और उसकी किशोर पोती ग्रैबिएला के साथ एक विशेष पारिवारिक बंधन भी विकसित किया है लेकिन जब एक शातिर मैक्सिकन कॉन्टेल ग्रैबिएला का उपहरण होता है तो रैम्बो उसे बचाने और जिम्मेदार लोगों को डंडित करने के लिए एक खूनी और व्यांग्रीगत खोज पर सीमा पार करता है तो इसमें आपको ऐसी कुछ स्टोरी जो आपको इस रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाती है अगर आपको रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुँचती रहें जैसा कि आपको पता है कि रैम्बो जो रैम्बो मूवीज़ की पूरी सीरीज़ है जिनमें लीडिंग रोल में आपको सेल्बेस्ट स्टैलॉन एक्टर देखने को मिल जाते हैं तो रैम्बो मूवी की रैम्बो मूवी की इस सीरीज की ही एक पार्ट है इसकी पूरी सीरीज देख सकते हो आप बहुत अच्छा आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगा बहुत ही अच्छी एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस, इस मूवी को बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट भी किया गया है और इसका अंदाज़ा आप इसके बॉक्स बॉक्सॉप कलेक्शन से लगा सकते हो कि कितने लोग जो इसको पसंद करते हैं रैमबो की मूवीज़ को पसंद करते हैं जो आज भी इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैमबो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाए लेकिन अभी तक इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया लेकिन अगर आप प्रैम्बोलास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है बड़ी ही आसानी से आप किसी भी लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आप रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो आज की इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में आपको अच्छा लगा हो जानकर तो एक बार इसको लाइक कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें और आपको पता चल गया कि यह मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको इसकी स्टोरी अच्छी लगी हो एंड साइल बैस्टर स्टैल आपके फेवरेट एक्टर हो तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो मिलते हैं किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के रिव्यू के साथ है। तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम तो मूवी रिव्यू के एक और वीडियो पर आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो द लास्ट ब्लड मूवी के बारे में काफ़ी लोग हैं जो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हैं अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो एक बार इस वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर देना एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के बारे में जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी इस मूवी की हम आपको कहानी बताने वाले हैं कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा साथ ही में बात करेंगे रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में एंड साथ में इसकी टीम के बारे में बात करेंगे कि कौन सी टीम ने इस मूवी को बनाया है एंड साथ में आपको इस मूवी की अर्निंग के बारे में बताने वाले हैं कि कितना अर्निंग मतलब कि कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस मूवी ने किया था एंड कितने बजट में इस मूवी को बनाया गया था एंड साथ ही में आपको बताएंगे कि यह मूवी आपको हिंदी लैंग्वेज में कहाँ पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो एक बार इस वीडियो को लाइक लाइक कर देना एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि किन किन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को डायरेक्ट किया है एड्रियन ग्रूमवर्ग ने एंड स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है मैथ्यू किरूक्लिक ने एंड साइलवेस्टर स्टैलॉन ने एंड इसके स्टोरी की बात की जाए तो इस मूवी की स्टोरी लिखी है डैन गॉर्डन ने एंड साइलवेस्टर स्टैलॉन ने एंड इसके प्रोड्यूसर की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी को प्रोड्यूस किया है अभी लर्नर ने कैबिन किंग टेम्पलेटन ने जारिब लर्नर ने लेस बेल्डन ने अब बात कर लेते हैं कि कौन से एक्टर आपको रेम्बो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाते हैं तो सबसे पहले लीडिंग रोल में सैलबेस्टर स्टैलॉन देखने को मिल जाएंगे उसके आगे पैस बैगा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे सर्गियो पेरिस मानचेस्टा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे एड्रियाना बाराजा देखने को मिल जाते हैं उसके आगे जुबैटे मॉनरियल देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जेनी किम अक्का जैना हॉम हाँ देखने को मिल जाएंगे उसके आगे जॉक्यू केस्यू एंड ऑस्कर जैनेडा देखने को मिल जाते हैं सिनेमाइटोग्राफी की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में सनेमाइटोग्राफी की है ब्रैंडन ग्लाबिन गार्डिन ने इसके एडिटर की बात की जाए तो इस मूवी को एडिट किया है टॉड ई मिलर ने एंड कारस्टेन कुरपानेक ने म्यूज़िक की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी का म्यूज़िक किया है ब्रॉन ब्रायन टाइलर ने प्रोडक्शन कंपनीज की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी के प्रोडक्शन कंपनीज हैं बालबोआ प्रोडक्शंस डैडी फिल्म मिलीनियम मीडिया टेम्पले टेम्पलेटन मीडिया कैंपवेल ग्रो ग्रोमैन फिल्म्स एंड इसके डिस्ट्रीब्यूटर की बात की जाए तो इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है लॉयस गेट ने एंड इसके रिलीजिंग डेट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी रिलीज़ हुआ था 20 सितंबर 2019 में एंड इसके लैंग्वेज की बात की जाए तो यह मूवी इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है जो कि ओरिजिनल लैंग्वेज है लेकिन इस मूवी का आपको हिंदी डब भी देखने को मिल जाता है अब बात कर लेते इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में एंड बजट के बारे में कि कितने रुपए में इसको बनाया गया था एंड कितना अर्निंग कितना कितना बॉक्स ऑफ कलेक्शन इस रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी ने किया था सबसे पहले बजट की बात की जाए तो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी का बजट पचास मिलियन डॉलर का है एंड इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाए तो इस मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इक्यानवे पॉइंट फाइव मिलियन डॉलर का है तो बॉक्स ऑफ कलेक्शन के बारे में आपको पता चल गया बजट के बारे में आपको पता चल गया साथ ही में आपको रैंबो लास्ट ब्लड मूवी की टीम के बारे में पता चल गया कि किन्होंने इस मूवी को बनाया है अब बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में कि क्या स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाता है वियतनाम युद्ध वियतनाम युद्ध के बियोवद जॉन व्योवुद्ध जॉन रैम्बो रेवजोना में एक खेत पर घोड़ों को उठाकर शांति की कुछ झलक पाने की कोशिश करते हैं उसने मारिया नाम की एक महिला और उसकी किशोर पोती ग्रेबिएला के साथ एक विशेष पारिवारिक बंधन भी विकसित किया है लेकिन जब एक शातिर मैक्सिकन कॉन्टेल ग्रेबिएला का उपहरण होता है तो रैम्बो उसे बचाने और जिम्मेदार लोगों को दंडित करने के लिए एक खूनी और व्यांग्रीगत खोज पर सीमा पार करता है तो इसमें आपको ऐसी कुछ स्टोरी जो आपको इस रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी में देखने को मिल जाती है अगर आपको रैमबो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर देना और तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें जैसा कि आपको पता है कि रैमबो जो रैम्बो मूवीज़ की पूरी सीरीज़ है जिनमें लीडिंग रोल में आपको सेल्वेस्टर स्टैलॉन एक्टर देखने को मिल जाते हैं तो रैमबो मूवी की रैम्बो मूवी की इस सीरीज़ की ही एक पार्ट है इसकी पूरी सीरीज़ देख सकते हो आप बहुत अच्छा आपको इस मूवी में स्टोरी देखने को मिल जाएगा बहुत ही अच्छी एक्टिंग देखने को मिल जाएगी इस इस मूवी को बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्ट भी किया गया है और इसका अंदाज़ आप इसके बॉक्स ऑफ कलेक्शन से लगा सकते हो कि कितने लोग जो इसको पसंद करते हैं रैमबो की मूवीज़ को पसंद करते हैं जो आज भी इस मूवी को देखना चाहते हैं सो अब बात कर लेते हैं कि यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी अगर आप भी रैमबो लास्ट ब्लड मूवी को देखना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज में तो यह मूवी आपको यूट्यूब पर तो देखने को नहीं मिलेगी लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में यूट्यूब पर रिलीज़ किया जाए लेकिन अभी तक इस मूवी को यूट्यूब पर रिलीज़ नहीं किया गया लेकिन अगर आप लास्ट ब्लड मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाती है बड़ी ही आसानी से आप किसी भी लैंग्वेज में मतलब इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आप लास्ट ब्लड मूवी को ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो सो so, आज की इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो रैम्बो लास्ट ब्लड मूवी की स्टोरी के बारे में आपको अच्छा लगा हो जानकर तो एक बार इसको लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी मूवी अपडेट्स आपके पास पहुंचती रहें और आपको पता चल गया कि यह मूवी आपको कहां पर देखने को मिलेगी आप जरूर से देख सकते हो अगर आपको इसकी स्टोरी अच्छी लगी हो एंड साइल साइल बैस्टर स्टाइल आपके फेवरेट एक्टर हों तो आज की वीडियो में बस इतना ही तो मिलता है किसी और नई मूवी के साथ नई मूवी की स्टोरी के साथ नए मूवी के व्यू के साथ है तब तक के लिए ओके बाय जय हिंद बंदे मातरम